ओम नमः शिवाय। आज हमारा शिव पुराण का दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में आज हम छठा अध्याय शुरू करने वाले हैं। कल हमारा पहला दिन था। हम आपको इस चैनल के माध्यम से शिव पुराण पूरा सुनाने वाले हैं। शिव पुराण को सुनने से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आपको शिव पुराण पढ़ने से प्राप्त होता है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको पांचवें अध्याय तक का पूरा शिव पुराण सुनाया है। आज हम छठे अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। छठा अध्याय, शिव पुराण के श्रवण की विधि। सोनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञ सुत जी आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, यानी शिव पुराण को सुनने की क्या विधि है उसे बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सुत जी ने कहा, मुने सोनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचवाना चाहिए। हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इससे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा की कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार भी करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में भी उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब और फल फूल सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बाँचने वाले विद्वान के प्रति कभी भी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का जो ज्ञाता है वो परम गुरु माना जाता है। पूर्ण व्यक्ता पवित्र शांत साधु इस्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को ही पुण्यमय कथा को बाँचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। मध्याकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य क्रम संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए, जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के क्रमों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 7वां अध्याय,
श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सातवें अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि श्रोताओं द्वारा कौन से नियम की पालन करनी चाहिए। सुत जी बोले, सोनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अंतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचार्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पतल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्यों को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न दन का दान दें। गीत वाद और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण क्रम की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पुण्यता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समर्थ मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दे। सोनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है और भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग यह लोक परलोक में सदा सुखी रहते हैं।
भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। अब हम चलते हैं विध्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विध्वेश्वर संहिता पहला अध्याय। विध्वेश्वर संहिता का पहला अध्याय पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न, जो आदि से लेकर अंत में नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके पांच मुख हैं, जो खेल खेल में जगत की रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पांच प्रबल क्रम करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहां गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग को ब्रह्मलोक का मार्ग है। वहां एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सुत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सुत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे समग्र विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सुत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, प्राय स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सुत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम अवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धर्म प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग कर कुसंगी पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म क्रम छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और इच्छालु होकर
धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुक्रमी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएगी। वे अपने पति का अपमान करेगी और सास ससुर से लड़ेगी। मलिन भोजन करेगी। उनका सील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता में सभी व्याकुल है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो, कृता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। दूसरा अध्याय, शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके हृदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण में 12 खंड या वेद हैं, 12 संहिताएं हैं। पहला संहिता विध्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सप्त रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मात्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। तो कुल इसके अंदर 12 खंड हैं, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। विध्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सप्त रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के
आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग के द्रेपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 400,000 श्लोकों में इसका संक्षिप्त कर दिया है। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विध्वेश्वर रुद्र संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक तथा उत्तम गति करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव के द्वारा की गई है तथा इसका संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला है, सभी पापों का नाश करने वाला है, यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान है तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। शिव धाम की प्राप्ति का एकमात्र साधन शिव पुराण है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण इच्छा रहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का ज्ञान किया गया है। इस अमृतमय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तीसरा अध्याय श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं सुत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। सुत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमयी भगवान शिव का स्मरण कर वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनाइए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका का समाधान करने के लिए सृष्टि के रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वग्र और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इसका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मशी धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाला विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से
विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है, तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना लिए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही सार्थक हैं। क्रम के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की भक्ति का उपाय है, तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर की ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है, तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अंतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप, उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। चौथा अध्याय, सनत कुमार व्यास संवाद। सुत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय में एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मगन थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें अग्र देते योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी
तथा शिवगणों के स्वामी नंदीकेश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का एकमात्र स्रोत है। यह बात मुझे सवे देवाधिदेव भगवान शिव ने बताई है। अंत तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृतांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सुत जी, आपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? पांचवा अध्याय, शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सुत जी कहते हैं, हे सोनक जी, श्रवण कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरु मुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरु मुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करें। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र का स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन निवेद के रूप में अर्पित करना चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी हैं। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है, यानी कि जो भगवान शिव की शिव मूर्ति पूजा भी मनुष्यों के द्वारा ही की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने कहा, पूछा, हे नंदीकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग वेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से समझाइए। नंदीकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से भगवान महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं को साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय है। छठा अध्याय,
ब्रह्मा विष्णु युद्ध, छठा अध्याय ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदीकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी के साथ शेष सस्या पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया, फिर भी शांत रहते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, सारे जगत का पितामह हूं, सारा जगत मुझ में निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलट कर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सातवां अध्याय शिव निर्णय। इस अध्याय के का जो पाठ है वो हम अब कल करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।